हाय, दिस इज मी निहायत द एडवाइस गाय। एडवाइस गाय इसीलिए क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं आप लोगों को नीट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में कंटिन्यूअसली एडवाइस देते जा रहा हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे कॉलेज में मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो आप लोगों को नीट के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी एडवाइसेस दे सकते हैं जो आपके काम आ सकती है। तो इसीलिए दिस इज MBBS स्टूडेंट्स आंसरिंग योर नीट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। हाय सोले। हाय निहायत। हाय निहायत। हाय निहायत। Now that you've reached a medical college, is working hard for NEET actually worth it? मेरे हिसाब से yes, it's a worth it, क्योंकि जब हम पहले कॉलेज में आने से तो लगता है कि जस्ट बस हम एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन जब कॉलेज में आते हैं फिर हम बाहर देखते हैं कि कितने एस्पिरेंट्स कॉलेज में आने का वेट करते हैं। दे क्रेव फॉर दिस मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली। तो फिर कॉलेज में आके ही ये समझ आता है कि ये जो मेहनत थी हमने, इट वॉज एक्चुअली वर्थ इट। यस। हाउ इज MBBS गोइंग सो फार? MBBS इज ऑल इन ऑल अ डिफरेंट थिंग। जैसा आप नीट के वक्त पढ़ते हैं उससे अलग पढ़ाई है। यहाँ पे हमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और साथ साथ अपनी लाइफ को और इन्जॉयबल बनाने के लिए हम खेलते भी हर दिन और घूमने भी जाते हैं। MBBS इज गोइंग गुड एज एक्सपेक्टेड। थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी एक जब नीट क्रैक करता है बंदा तो उसको एक डायरेक्शन मिलती है जिस पे मतलब उसको बस उस डायरेक्शन पे चलना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं है मतलब कि क्या करें अब, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं हम मेडिकल कॉलेज में आए और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको वे नहीं होती है कि हम कैसे वो करें, और बाकी तो सही जा रहा है सारा मेडिकल कॉलेज में। What to do if you're unable to do good in mock test despite studying hard? देखो मॉक टेस्ट का फंडा ये होता है कि जब इसमें स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डे वन से ही इसमें अच्छा परफॉर्म करने लगो। इट्स अ प्रोग्रेस, इसमें आपको प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते रहना है, अपनी मिस्टेक्स देखनी है, उनको एनालाइज करना है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स मेक इज दैट स्टूडेंट्स अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम टेस्ट देते जाएंगे और स्कोर इंप्रूव होता जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट देते देते आप उसको एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो, उनको याद रखना उन मिस्टेक्स को, और उस हिसाब से अपने अगले टेस्ट में उनको अवॉइड करना है। तो इज इट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल्स? किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो है, आप एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप इस मॉड्यूल का थोड़ा सा करेंगे और उस मॉड्यूल का थोड़ा सा, इससे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे छूट जाएंगे। अगर आपको लगता है कि PYQs आपको एक फुल अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, जो उसी ओरिएंटेड सवाल होंगे वो आप कीजिए, NCERT कीजिए, और जो अगर ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है एग्जाम सेंस में, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। इज सेल्फ स्टडी सफिशिएंट फॉर नीट? सेल्फ स्टडी इज सफिशिएंट फॉर नीट, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बंदा खुद ग्रैब नहीं कर पाता है, तो उसलिए उसको एक्सटर्नल गाइड की जरूरत होती है। और देर आर सर्टन पॉइंट्स इन योर प्रिपरेशन जिनमें आप लो फील करते हो, एंड यू नीड अ गाइड टू मोटिवेट यू एंड सो दैट यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है एक प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, यू शुड हैव अ फैसिलिटी जिसको आप अप्रोच करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। फ्रॉम व्हाट मंथ शुड टेस्ट बी गिवन? यूजुअली जो अगर हम देखें तो टेस्ट आपके प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से होने चाहिए। इफ़ यू आर इन क्लास 11 तो आपके जैसे जैसे आपके सिलेबस कवर होता जा रहा है वैसे वैसे आपके टेस्ट भी आपको देते जाने हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अब हम बात करें नीट से कितने टाइम पहले, एग्जैक्ट नीट एग्जाम से, तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले आपको टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि यू नीड टू हैव इनफ टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। तो अगर आप एंड पे टेस्ट देने जाते हैं तो आपको सफिशेंट टाइम नहीं मिलेगा कि आप उन मिस्टेक्स को देखें, उनको रेक्टिफाई करें, तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले आपको टेस्ट देने चाहिए। कैन यू अंडरस्टैंड 12th क्लास विदाउट अंडरस्टैंडिंग 11th क्लास कंसेप्ट? तो 12th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपस में कोरिलेट होते हैं, 11th के बहुत से टॉपिक्स हैं जो 12th में रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपको 11th की एक कम से कम अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कुछ टॉपिक्स लाइक वर्क पावर एनर्जी, वो वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होता है, या फिर वेव्स और ऑसिलेशंस का इस्तेमाल रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में होता है। तो इसीलिए आपको 12th में आने से पहले अगर आपका 11th बहुत अच्छा है फिर तो आप बहुत अच्छा करेंगे 12th में, बट अगर आपको नहीं आता है तो कम से कम कोर चैप्टर जो 12th में फिर से लगने वाले वो आने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं 11th करेंगे और डायरेक्ट 12th में आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी प्रॉब्लम ही होगी। व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नेवर डू एज नीट एग्जाम अप्रोचेस? जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाता है तो हमें बहुत सारा जो मोड फॉर एग्जांपल बहुत सारा हमारे पास जो मटेरियल होता है जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें अब लिमिट करना होता है अपने आप को टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो हमने नोट्स बनाए होते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारे कंसाइज नोट्स होते हैं फॉर्मूला रिवीजन के लिए जो हमने बनाए होते हैं नोट्स, उन पे मोर फोकस करना चाहिए। और जो हमारा बायोलॉजी है उसमें हमें कंटिन्यूस रिवीजन NCERT के करने चाहिए,
टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते जाने चाहिए। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई हार्ड बुक सॉल्व की है, हमें उस क्वेश्चन उस हार्ड बुक को लेके टेंस नहीं होना चाहिए कि मेरे को वो हार्ड बुक के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे अभी, मेरे को उसमें स्किप हो गए कुछ कॉन्सेप्ट। हमें फोकस करना चाहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब जो हमारा नीट का ओरिएंटेड सिलेबस है फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो करने चाहिए। और साथ में हमारा जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करने चाहिए। हाउ टू रिवाइज न्यूमेरिकल्स बट ऑल्सो सेव टाइम। न्यूमेरिकल्स जो है इसमें आपको अगर आप अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में है तो इसमें आपको अपना टाइम बचाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू गिव इनफ टाइम टू न्यूमेरिकल्स बिकॉज यही आपके पेपर का मैक्सिमम पार्ट बनाते हैं। फिजिक्स तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स ही होता है, हार्डली एक या दो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर अब हम बात करें जैसे नीट का एग्जाम काफ़ी नज़दीक होता है तो उसमें आपको मोस्टली आपको पीवाईक्यूज़ पे ही फोकस करना चाहिए और फोकस करना चाहिए उसको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए ताकि आपको लाइक हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आपको सेटल हो जाए। और एक बात याद रखनी है कि एग्जाम में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे ही सवाल होंगे, कुछ नया वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके हो सकते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज प्रॉपरली कर लेते हैं और मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो आपके एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हाउ टू नो इफ यू आर इन द राइट डायरेक्शन फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, इसका जवाब है आपके आसपास के लोग और आपका कॉम्पिटिशन। जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे और जो आपके दोस्त होंगे उनकी प्रिपरेशन से आपको लगता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। और साथ ही साथ जब आप टेस्ट देते हैं आपको रैंकिंग मिलती है, आप अपने मार्क्स भी देखते हैं। अब अगर जहाँ आप टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ता है और फिर आपकी रैंकिंग में बहुत फ़र्क आने लगता है। हाउ टू कोप अप विद लो मॉक टेस्ट स्कोर्स ड्यूरिंग लास्ट मंथ्स ऑफ नीट प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट में कम नंबर तो बहुत बार आए हैं मेरे। सबसे अच्छा तरीका मॉक टेस्ट के नंबर को इंक्रीज करने का है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, वो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है, वो खुद से एक नोशन में आ जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, ये नीट में नहीं आएगा, तो वो स्किप कर जाते हैं। वो अक्सर मैंने देखा ये, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में आता है वो ऑलमोस्ट नीट ओरिएंटेड होता है अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो एनालाइज करना चाहिए। अगर कभी कम मार्क्स हो भी गए तो होप जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए कि अब कुछ नहीं होगा मेरे से, आपको एनालाइज करना चाहिएगा और आराम आराम से आप प्रोग्रेस करते जाओगे नीट के मौके। व्हाट इज बेटर अमंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th क्लास। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का जो मसला है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को तो पहले ही क्वेश्चन होता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑनेस्टली बात करें तो ये स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है कि ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए ऑफलाइन। अगर आपको लगता है कि आप घर पे बैठ के प्रॉपरली पढ़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस तो होंगी बट विद मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के ही पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यू नीड टू हैव लाइक अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, अदर स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो आपके लिए ऑफलाइन ही बेटर है। What type of questions should be solved during the last months? के डेज बहुत ही ज़्यादा important होते हैं आपकी preparation में, इसलिए आपको PYQs ज़्यादा करने चाहिए। एक तो देखो जो आप preparation करते हो उसके दौरान अगर आप tough questions भी करते हो PYQ करने से, क्योंकि वो थोड़े से comparatively easy होते हैं, आपका morale भी boost होता है। What's the best OMR filling strategy to avoid mistakes? Mistake avoid करने के लिए सबसे better OMR strategy ये है कि पहले आप अपना paper solve करो और फिर पेपर सॉल्व करने के बाद आप अपने OMR को फिल करो। और OMR फिलिंग के वक्त पूरा ध्यान OMR फिलिंग, आप सेपरेट फॉर एग्जांपल 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है तो आप एटलीस्ट आधा घंटा स्पेयर रखो फॉर OMR फिलिंग। मतलब 15 मिनट से तो ज़्यादा ही कम से कम OMR फिलिंग के लिए आपको स्पेयर रखना है। और हर एक क्वेश्चन जो है आप ऊपर वाली फॉर एग्जाम्पल आपने पहला OMR फिल किया तो जो आप दूसरा OMR फिल कर रहे होंगे उस वक्त आप उससे पहले वाला OMR चेक करना कि मैंने सही फिल किया है या नहीं।